गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जाइडे डायनेस्टी का सीज़न वन। इसका सीज़न टू अभी हाल ही में रिलीज़ हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले सीज़न वन को एक्सप्लेन किया जाए, फिर सीज़न टू को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। तो हमारा ये एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है। हमें दो बच्चे लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है लिन क्यून यून और दूसरे का नाम होता है जेन यून फैन। जेन लिन से काफ़ी देर से फाइट कर रहा होता है, बट उसे हरा नहीं पाता है और वो 97 बार इससे हार चुका होता है। और इसकी वजह से वहाँ पे खड़े हुए सारे बच्चे हंस रहे होते हैं, मगर जेन तब भी हार नहीं मानता है और वो खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है, लिन आज मैं तुमसे जीत के रहूँगा, भले ही मैं तुमसे 97 बार हार चुका हूँ, मगर मैं फिर भी ट्राई करता रहूँगा और शायद क्या पता मैं 98 टाइम्स तुम्हें हरा दूँ। ये कह करके वो दोनों लड़ते लड़ते एक टेंपल के पास आ जाते हैं, मगर उनके पास इतनी भी ज़्यादा ताकत नहीं रहती है, क्योंकि वो 97 बार लड़के हार चुका हो रहता है और बिल्कुल थक चुका हो रहता है। तभी वो खड़ा होकर के कहता है, मैं 98 टाइम्स तुमसे ज़रूर फाइट करूँगा। मगर वो दोनों जैसे ही लड़ने के लिए तैयार होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, मगर हम देख पाते हैं कि जैन अभी भी लिन से हार रहा होता है। मगर सडन वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है और लिन के ऊपर एक अजीब सा डीमन ऑरा उसके ऊपर काबू कर लेता है, जिसकी वजह से लिन जेन का गर्दन दबाने लगता है अपनी शॉट से और कहता है, तुम हार मान लो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। तभी वहाँ पे मॉन्ग आकर के जेन को लिन से छुड़ा देता है और ये देख करके सब वहाँ पे घबरा जाते हैं, आधे बच्चे तो भाग गए होते हैं। मगर लिन तुरंत जेन के पास जाके कहता है कि मैं अपने दोस्त को यहाँ पे जान से मारने वाला था। तभी मॉन्ग कहते हैं कि तुम लोग ऐसे लड़ते हुए इतने भी ज़्यादा क्रूर मत हो जाओ कि एक दूसरे को जान से मारने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है, दोनों बच्चे अपने घर आ जाते हैं। तभी जेन अपने घर से मॉन्ग के लिए कुछ खाना ले जाने के लिए जाता है, क्योंकि बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा बेकार होता है, इतना ज़्यादा तूफान आ रहा रहता है। तभी उसके घर वाले मना करते हैं, बेटा मत जाओ, मगर वो फिर भी मॉन्ग के लिए कुछ खाने के लिए लेके जाता है। तभी मॉन्ग ऑब्जर्व करता है कि बाहर का वेदर कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, वो भी सडन, ऐसा कैसे हो सकता है। मॉन्ग देखता है कि लिन के पीछे एक इवल ऑरा आ रहा है जो उसे पकड़ने वाला है और ये देख करके वो तुरंत उस इवल ऑरा के ऊपर अटैक कर देता है और उस इवल ऑरा से लिन को बचा लेता है और उसे सेफली दूर ले जा करके कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हो। तभी लिन के पास से एक कीड़ा निकल के तुरंत उस मॉन्ग को काट लेता है। तभी वो डीमन कल्टीवेटर मॉन्ग के ऊपर तुरंत अटैक कर देता है मौका देखते ही, मगर मॉन्ग उसे तुरंत डॉच करके पीछे हट जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। तभी मॉन्ग देखता है कि ये तो डीमन क्लैन का बंदा है और ये देख करके मॉन्ग एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुम हमारे एरिया में आ रहे हो। तभी वो डीमन क्लैन का मेंबर अपनी स्पिरिट को इकट्ठा करके अपना फाइनल अटैक तैयार करता है। तभी मॉन्ग अपना ब्रेसलेट हाथ से निकाल करके बुद्धा टैंकनिक को समन करता है और उसी ब्रासलेट से एक फॉर्मेशन को बनाता है। तभी इस चीज़ को देख करके डीमन कल्टीवेटर अपने फ्लैग से उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर मॉन्ग तब भी उसे डॉश कर लेता है। मगर हम जैसा देख पाते हैं कि मॉन्ग को वो कीड़ा काट चुका होता है, जिसकी वजह से मॉन्ग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुका रहता है और उसके मुँह से ब्लड आता है। तभी वो अपने हाथ पर देखता है कि वही कीड़ा उसके ऊपर से अभी निकल के गया हुआ है। तभी मॉन्ग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर स्नैक अटैक किया। ये देख करके मॉन्ग एकदम गुस्सा हो रहा होता है उस डीमन कल्टीवेटर को, मगर हम जानते हैं कि डीमन्स तो डीमन ही होते हैं। फिर वो डीमन कल्टीवेटर अपना फाइनल अटैक को समन करता है, जिसको देख करके मॉन्ग तुरंत आसमान में उड़ करके बुद्धा पाम अटैक को समन करता है और डीमन के ऊपर थ्रो कर देता है। ये सारे बुद्धा पाम अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो एक एक करके डीमन फ्लैग को तबाह कर देते हैं और वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। ये देख करके वो डीमन कल्टीवेटर तुरंत हेवन की थंडर को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसको देख करके मॉन्ग कहता है, तो यही है हेवन की रियल पावर। मगर मॉन्ग इससे भी नहीं डरता है और वो कहता है, तो ठीक है आ जाओ, आज देख लेते हैं कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो बंदा तुरंत मॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी मॉन्ग खड़ा होकर के फॉर्मेशन को समन करता है और जैसे ही इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके की वजह से वो डीमन कल्टीवेटर खूब दूर जा कर के गिरता है और इस अटैक से वो दोनों बच्चे भी बेहोश हो जाते हैं। और ये देख करके मॉन्ग वहाँ पे शांत हो जाता है, मगर डीमन कल्टीवेटर इस चीज़ को देख करके वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम 3 दिन के बाद मर जाओगे वैसे भी, फिर मैं आकर के तुम्हारे पास से उस बीट को लेकर के जाऊंगा। तभी मॉन्ग अपने आप को छूता है और कहता है कि मैं अभी यहाँ नहीं बचने वाला, मुझे इन दोनों में से ही
एक किसी को सेलेक्ट करना होगा अपने डिसाइबल के तौर पे। ये सोच करके वहाँ मॉन्ग खड़ा रहता है और तभी मॉन्ग अपने पास से एक पिल निकालता है। उस पिल को खाने की वजह से मॉन्ग 3 दिन तक जी सकता है और अपने स्टूडेंट को अपनी सारी पावर, अपनी सारी टेक्निक को सिखा सकता है। तभी मॉन्ग अपने हाथ को देखता है जिसका जहर बहुत तेज़ी से उसकी बॉडी में फैल रहा होता है, और तभी मॉन्ग उन दोनों में से एक को सेलेक्ट करता है। उसमें से मॉन्ग तुरंत जेंग को सेलेक्ट करता है क्योंकि जेंग उस ऑरा प्रेशर की वजह से काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका रहता है। तभी मॉन्ग जेंग को हील करता है, मगर जेंग कहता है मेरा दोस्त तो ठीक है ना। तभी मॉन्ग कहता है तुम अपने दोस्त की इतनी चिंता ना करो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। तभी मॉन्ग पूछता है आखिर तुम इतनी बड़ी बरसात में तूफान में मेरे पास क्यों आ रहे थे। तभी जेंग कहता है कि मुझे लगा था कि आप भूखे होंगे और मैं ऐसे किसी भूखे को नहीं देख सकता था। भले ही तूफान था तो क्या हुआ, मुझे आना तो था आपको खाना देने के लिए। इस चीज़ से मॉन्ग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने अच्छे डिसाइबल को सेलेक्ट किया। तो मॉन्ग कहता है क्या तुम मेरे डिसाइबल बनोगे और मैं तुम्हें कुछ अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा, इनफैक्ट अपनी सारी टेक्निक सिखाऊंगा जिस टेक्निक का नाम है लुआना स्पिरिचुअल टेक्निक्स। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बुद्धा टेक्निक और ताउजान टेक्निक दोनों को मर्ज कर सकते हो और आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। तो क्या तुम तैयार हो मुझसे सीखने के लिए और मेरे डिसेबल बनने के लिए। तभी जेन खड़ा हो जाता है और कहता है मैं आपका डिसेबल बनने के लिए रेडी हूँ। तभी मॉन्ग कहता है काना तुम एक बार फिर सोच लो। तभी मॉन्ग कहता है कि जो भी टेक्निक मैं तुम्हें सिखाऊंगा इस टेक्निक को तुम सुबह में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, इस टेक्निक को तुम सिर्फ रात में प्रैक्टिस करोगे और अकेले में, और इस टेक्निक के बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे चाहे वो तुम्हारा कितना भी क्लोज हो। इस बात को सुनकर के जेन काफ़ी घबराता है, मगर मॉन्ग उसे घूर करके कहता है तुम समझ रहे हो ना बेटा मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ। तभी जेन कहता है जी मास्टर आपने सही जो भी कहा है मैं उस चीज़ को ध्यान रखूँगा और आप जो भी मुझे सिखाओगे मैं वो किसी को नहीं बताऊँगा और उस टेक्निक को मैं सिर्फ रात में प्रैक्टिस करूँगा। ये सुनकर के मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मास्टर कहते हैं तो ठीक है अब से तुम मेरे डिसाइबल हुए इसलिए अब तुम मुझे बोल सकते हो मास्टर और मैं तुम्हें अपना सन मानता हूँ। ये कहकर के वो दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मॉन्ग अपने पास से वो बीट को निकाल करके जेन को देते हैं और जेन से कहते हैं कि जब तुम पावरफुल बन जाना तो इस बीट को कोई बहुत ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक देना और याद रहे इस बीट को फेंकते समय कोई भी तुम्हें देख ना पाए, क्या तुम ये मेरा काम करोगे ना। तभी जेन उस बीट को लेकर के कहता है जी मास्टर मैं इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखूँगा। और फिर मास्टर से पूछता है मास्टर क्या मैं उसे किसी को भी नहीं बता सकता। तभी मास्टर बोलते हैं नहीं तुम इसे किसी को भी नहीं बता सकते हो और मैं 3 दिनों के बाद मर जाऊंगा, उससे पहले मैं तुम्हें अपनी सारी टेक्निक सिखा दूंगा और याद रहे ये टेक्निक तुम तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खतरे में हो या तुम मरने वाले हो, तभी इस टेक्निक को तुम अमन करके फाइट करना वरना तुम इस टेक्निक को मत इस्तेमाल करना। इस बात को सुन करके जेन रेडी हो जाता है और अपने मास्टर को ग्रीट करता है। फिर उसके मास्टर कहते हैं जब मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा तो तुम तुरंत येट नाम के बंदे को ढूंढना। और यहीं पर यह सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि लिन उठ चुका होता है और वो जा करके जेन को उठाता है। जेन 3 दिनों से प्रैक्टिस करने की वजह से बहुत थक के सोया रहता है। तभी जेन मॉन्ग की कोई भी बात लिन को नहीं बताता और लिन उससे पूछता आखिर तुम्हें क्या हुआ था। जेन कुछ भी नहीं बोलता और कहता है हमें चलना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है और सुबह भी हो चुकी है। जेन और लिन जैसे ही अपने गांव में आते हैं तभी लिन देखता है कि उसके अंकल चलते हुए आ रहे हैं और उसे पहचान नहीं रहे। वो दोनों अपने अंकल के पास जाते हैं तभी लिन अपने अंकल से पूछता है अंकल आपको क्या हुआ, मगर उसके अंकल कहते हैं भूत 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 और वो इतना डर चुके रहते हैं कि वो इंसान को भी देख करके बोलते हैं भूत। तभी जेन अपने गाँव में दौड़ता हुआ जाता है और चारों तरफ लाशें बिखरी रहती हैं और वो दौड़ते हुए अपने फैमिली को ढूंढ रहा होता है और दाएं बाएं देखता है कि हर तरफ लाशें और मौत का हाहाकार मचा रहता है।